नमस्ते जम्मू वालों, मी एक गल सुनाओ, साढ़े जे नौजवानें की अजकल केड़ी चीज बड़ी मुश्किल लगती है? महाराज सारे को मुश्किल ते छोकरी गे है जिहड़ी नहीं लभदी है। गल ते सही आखा, लेकिन भरा छोकरी भी तां लभनी है ना जिहड़े तेरे कोल नौकरी होवे। गल महाराज तुसीं बड़ी ठीक आखी है, ते महाराज नौकरी गे लवाई उड़ो। सारा कुछ मैं करना है, यह जिम्मेदारी लई दी महाराज जट किंग वाले ने। महाराज ये लोग वादा करा दे कि पहले साल पढ़ाई अगले साल कमाई। ये आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम देख रहे हैं, टेक महिंद्रा, अमेजोन, एयरटेल, रिलायंस डिजिटल, जेनपैक, ये सब वो कंपनियां हैं जहां पे हमारे बच्चे आज सक्सेसफुली जॉब कर रहे हैं। ये सब मतलब प्लेसमेंट हो चुकी है, सबकी जॉब लग चुकी है, सबकी जॉब लग चुकी है। और ये देखिए, ये आज डेवऑप्स इंजीनियर है चंडीगढ़ में। क्या बात, ठीक है। ये हमारे राहुल जी है, ये हमारे ईशान है, ये सेक्रेटरीट में है। अच्छा, ये सेक्रेटरीट में जम्मू में। क्या बात है। अच्छा, उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आप 10th और 12th भी आपने नहीं किया, अगर आप ग्रेजुएट भी नहीं है, तो तब भी आपकी जॉब यहाँ पर लग सकती है आपके स्किल्स के बेसिस के ऊपर। इनका कहना यह है कि डिग्रियां इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है, और जेट किंग जो है वो बच्चों को वो स्किल्ड ट्रेनिंग देता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है, जिसकी वजह से उनकी जॉब प्लेसमेंट हो जाती है। हैं सच्चे, जेट किंग वाले मेरी नौकरी लगाई उड़नी है? बिल्कुल, मैं तो बड़ी खुशी हो वाली है। एक गल सुना, खुशी किस चीज दी हो आदी है, नौकरी दी है छोकरी दी? ऑब्वियसली छोकरी, ओ मेरा मतलब है नौकरी। तो जी अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जेट किंग जो है वो जम्मू के नौजवानों की नौकरी लगवा सकता है। बातचीत करते हैं इनसे, चलिए अंदर। और सर, हेलो, बड़ा नाम सुना है आपका जेट किंग का, हमने आपका भी बड़ा नाम सुना। तो जी जिन शख्स के साथ मैं बैठा हूँ वो वादा करते हैं कि वो बच्चों को प्लेसमेंट दिलवाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ कि सरकार जो है वो नौकरी नहीं दे पा रही, लेकिन जो जेट किंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू ब्रांच के, वो वादा करते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलूँ, ऐसी कौन सी आपके पास जादू की छड़ी है कि सरकार जो है वो नौकरी नहीं लगवा पा रही, बच्चे परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन आप बच्चों की नौकरी किस तरीके से लगा सकते हैं? सैम जी, ऐसी कोई जादू की छड़ी तो नहीं है हमारे पास। जेट किंग जो है वो इंडिया का नंबर वन कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जी। हम यहाँ पे बच्चों को एक साल का कोर्स कराते हैं जो आईटी पे बेस्ड है, नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी। आज पूरी जो हमारी जो लाइफ है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, टेक्नोलॉजी के ऊपर, टेक्नोलॉजी पे, और ये जो फोन है इसके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट है, इसके ऊपर सबसे, इसके ये अगर हमारे से गायब हो जाए तो हम तो परेशान हो जाते हैं जी। तो और इसमें से अगर इंटरनेट गायब हो जाए तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जेट किंग में हम बच्चों को नेटवर्क कैसे बनता है, आईटी में कैसे, क्लाउड पे, हम जो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो भी देखते हैं, बिल्कुल सारा क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, आप उस चीज की यहाँ पे एकेडमी में ट्रेनिंग भी देते हैं? जी बिल्कुल, ट्रेनिंग देते। तो जब ट्रेनिंग के बाद वो कितने साल की होती है, कितने साल की कोर्सेज होते हैं हमारे पास? इवन 3 साल का बीसीए डिग्री भी हम कराते हैं जी। जी, हम मेन जो हमारा 1 ईयर का कोर्स है। अच्छा, 1 साल का कोर्स है, मतलब वही आपकी मैं टैगलाइन सुन रहा था कि 1 साल पढ़ाई और अगले साल कमाई। बिल्कुल, तो मतलब 1 साल के आपके कोर्सेज रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। डिफरेंट। और अभी नवीन जी, मैंने ये देखा कि अभी बोर्ड के रिजल्ट्स निकले हैं तो बहुत से बच्चे निराश भी हो गए कि किसी का एक पेपर रह गया, किसी का दूसरा रह गया, वो सोच रहे हैं कि अभी हम 10th 12th में पास नहीं हो पाए तो क्या हमारी नौकरी लगेगी। तो ऐसे बोर्डों के बच्चे जो अभी रिपेयर हो गए या बेचारे पास नहीं हो पाए, क्या उन बच्चों को भी आप नौकरी दिलवा पाएंगे? सैम जी, आपने बहुत अच्छी बात को छेड़ा। देखिए, आईटी एक ऐसी चीज है जिसमें कोई भी आ सकता है जी। उसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कोई भी हो, वो आईटी में आके हमारा जेट किंग का कोर्स कर सकता है। छोटी सी एग्जांपल बताऊंगा, फेसबुक के जो मालिक मार्क जुकरबर्ग जी, वो 12th या कॉलेज ड्रॉप आउट है वो, ठीक है। आपके एप्पल के स्टीव जॉब्स, ये जितने बड़े बड़े लोग थे, देवर नॉट ग्रेजुएट्स, ठीक है, मतलब इनका डिग्री है नहीं है, स्किल्स स्किल्स। और जेट किंग में हम आईटी की पूरी प्रैक्टिकल स्किल्स देते हैं, और वो स्किल्स जो हमारे जम्मू जैसे शहर में कहते हैं आईटी सेक्टर नहीं है यहाँ पे, लेकिन आज आईटी पार्टर में भी चाहिए, डोडा में भी चाहिए, बैंक में भी चाहिए, हर जगह आईटी के बिना काम ही नहीं, दराज के एरियाज में भी चाहिए और सिटी में भी चाहिए, हर जगह। तो कुछ बच्चों से आप मिलाएं हमें कि जिनकी प्लेसमेंट हो गई है, थोड़ा हमें भी ट्रस्ट हो, जम्मू के लोगों को भी ट्रस्ट हो कि सच में आपने कुछ प्लेसमेंट की है बच्चों की, मिले उनसे। आइए आइए, बिल्कुल मिलाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इसी जेट किंग सेंटर से यहाँ पे हमारा नेटवर्किंग और हार्डवेयर का कोर्स किया, और आज ये लोग अपने आप खुद अपने पांव पे सेल्फ डिपेंडेंट। ये सब मतलब प्लेसमेंट हो चुकी है, सबकी जॉब लग चुकी है, सबकी जॉब लग चुकी है। और ये देखिए, ये आज डेवऑप्स इंजीनियर है चंडीगढ़ में। क्या बात, ठीक है। ये हमारे राहुल जी है, ये हमारे ईशान है, ये सेक्रेटरीट में है। अच्छा, ये सेक्रेटरीट में जम्मू में। जम्मू, क्या बात है। अच्छा, उनकी वहां जॉब लगी।
ये हमारे लविश है, ये नेटवर्क इंजीनियर है, जम्मू में जॉब कर रहा है। क्या बात है। ये हमारी दीक्षा है, ये हमारे दिल्ली में AWS पे काम कर रही है। ठीक है। ये कहर है सर, रामनगर से एक बड़े दूर गांव से आया है। अच्छा। ठीक है। जब ये यहाँ आया था तो काफी टेंशन में था, टेंशन में था, लगेगी जॉब या नहीं लगेगी। और एक टाइम इसने कुछ ऐसी बात बताई थी कि ये कैसे गुजारा कर रहा था कि ये कोर्स करके मुझे अपने पांव पे खड़े होना है। क्या बात है। याद है ना, ये मनीष है। तो ये सब लोग सर, ये तो अभी कुछ ही बच्चे हैं, बिकॉज सारे जॉब पे होते हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है। तो जेटकिंग में हमारा जो प्रॉमिस है 100% जॉब गारंटी। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जम्मू में भी सेक्टर 8 में लगे हुए हैं और चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी प्लेसमेंट्स हुई हैं और ये रामनगर के आप जम्मू में है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे आप खुद बताओगे? माय नेम इज राहुल थापा एंड करंटली आई एम डेवऑप्स इंजीनियर इन क्लाउड ईक्यू एंड आई हैव 2.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ऑफर किया कि जेटकिंग काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप पढ़ो, वहां से आप जो एक बंदा जाके इंजीनियरिंग का कोर्स करता 3-4 साल के लिए, वो आप 1 साल के अंदर भी कर सकते हो, इतनी वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। और रियली मैंने किया और मैं बताता हूँ ये पॉसिबल है। तो आप अभी करंटली कहाँ जॉब कर रहे हो? मैं अभी चंडीगढ़ में जॉब कर रहा हूँ इन क्लाउड ईक्यू कंपनी। कितनी सैलरी है वहाँ पे? वहाँ पे मैं 14 LPA ले रहा हूँ, मतलब 14 लाख रुपए आप कमा रहे हो अभी जिस कंपनी में हो आप। करेक्ट। और ये सारा क्रेडिट जो है वो जेटकिंग को जाता है। करेक्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने यहीं से ली है। क्या बात। तो अंदर अभी क्लास लगी हुई है और हम बाहर खड़े हैं और यहीं से बच्चे पढ़कर अपनी अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी कि यहाँ पर क्लासरूम के बाहर इसका नाम है द्रोणा लैब और दूसरी क्लासरूम का नाम है अर्जुन लैब। तो नवीन जी से पूछेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सैम जी, आपने बहुत अच्छी चीज को नोट किया। ठीक है, ये चीज हमारे महाभारत से रिलेटेड है। अच्छा। जेटकिंग में लाइक हम लोग पीछे, हमारा जो पीछे हिंदू धर्म कहा जाता है ना, बड़ा साइंटिफिक था। बिल्कुल। ठीक है, तो उसी चीज में द्रोणा, हमारे द्रोणाचार्य गुरु। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे हमारा गुरु जो है वो द्रोणाचार्य है, जो बच्चों को तीर कमान चलाना सिखाते हैं। मीन्स IT में कैसे आपको क्या क्या ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग है, क्या क्या टूल्स यूज करना है, यहाँ सिखाए जाते हैं। और ये अर्जुना को कहा जाता था कि वो चिड़िया की आंख देख के तीर चलाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चा जाके जो द्रोणा में, द्रोणाचार्य में गुरु जी पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ जाके प्रैक्टिकल करता है जाके। अच्छा। ये प्रैक्टिकल के लिए है, ये थ्योरी के लिए है। ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल। बहुत अच्छा नाम इन्होंने लिखा कि द्रोणा लैब, जहाँ पे हमारे गुरु जी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल करेंगे, अर्जुन जब वो तीर चलाएंगे और यहीं से जो है वो नौकरी हासिल करेंगे। और बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगा। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म से बढ़कर कोई है नहीं। और जेटकिंग की ये मुझे अच्छी चीज लगी कि इन्होंने अपने क्लासरूम्स और प्रैक्टिकल रूम का नाम जो है एक द्रोणा लैब रखा और अर्जुन लैब। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि जेटकिंग एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपने जम्मू में प्लेसमेंट करनी है, जम्मू से बाहर आप कमाई करना चाहते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है। और हमारे सर के पास आए, नवीन शर्मा जी इनके पास आए और ये आपको गारंटी देंगे कि एक पहले साल पढ़ाई और दूसरे साल कमाई।